वेलकम टू मैथ एक्सिस ICSE क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p+1x² - 7p+2x + 7p-3 = 0 हैज इक्वल रूट्स आल्सो फाइंड दिज रूट्स। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें पी की वैल्यू को फाइंड करना है और कंडीशन क्या दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और देन पी की वैल्यू को यूज करके हमें उसके रूट्स को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है वो है कि 2p+1x² - 7p+2x + 7p-3 = 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और इसी को सॉल्व करके हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू को, और कंडीशन क्या दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन b² - 4ac = 0। जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे तो b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 आएगी। ठीक है, तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इक्वल टू दिया गया है 2p+1, b की वैल्यू दी गई है -7p+2 एंड c दिया गया है 7p-3। ये चीज़ें हमें गिवन है, ए क्या दिया है तो ये दिया है 2p+1, बी दिया गया है -7p+2 एंड सी दिया गया है 7p-3। तो देन b² - 4ac = 0, यानी कि b² - 4ac = 0 यानी कि क्या हो जाएगा, तो b के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, तो -7p+2 यानी कि -7p+2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे पुट करेंगे 2p+1 इंटू c क्या है तो 7p-3 = 0। ठीक है, तो जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 49p² + 2 × 7p × 2 - जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2p और 7p-3 का, तो 2p और 7p क्या हो जाएगा 14p² - 2p × -3 यानी कि -6p 1 × 7p, तो +7p एंड 1 × 7, तो -1 × 3 हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, अगेन जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 49p² + 4 ये हो जाएगा 28p - 14p² 6p और 7p को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा +p-3 = 0। ठीक है, तो अगेन जब इनको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 49p² +4 + 28p - 4 × 14 क्या हो जाएगा 56p² - 4p + 12 = 0। ठीक है, देन जब 49p² और 56p² को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -7p² 28p और -4p तो ये हो जाएगा +24p और ये होगा 4 और +12 तो +16 = 0। यानी कि जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो 7p² - 24p - 16 = 0 यानी कि 7p² - 24p - 16 = 0 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है।
या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है, इसी को सॉल्व करके हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, यानी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और देन फाइंड करेंगे पी की वैल्यू को। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 जब करेंगे तो क्या आएगा, 112 आए। यानी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 112 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पे 24,000। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर हमें चेक करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे 112 आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने पे 24 है। ये दो नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो 112 का फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 112 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये 28 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 और 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 वन जा। ठीक है, यानी कि 2 टू जा 4 इंटू 7 यानी कि 28 इंटू 4 करने पे आएगा कितना आपका, तो 112 आएगा और 28 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो यानी कि 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। एंड जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस टाइप का ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम इसमें 7 कॉमन ले सकते हैं, 7p कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं तो भी हो जाएगा p माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि 7p प्लस 4 एंड p माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 7p प्लस 4 इक्वल टू 0 और p माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी p इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो पहला p की वैल्यू फाइंड हो गई, p इक्वल टू क्या आ गया, 4। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7p इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4, p हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को जब हमने सॉल्व किया है, यानी कि जब p की वैल्यू हमने फाइंड किया तो p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4 अपॉन 7 और एक p आ गया, p इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो ये p के दो वैल्यूज़ मिले हैं, इन दोनों को अब हमें अगेन क्वेश्चन में पुट करके फाइंड करना है इसके रूट्स को, क्या फाइंड करना है, इसको रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला कंडीशन था, यानी पहला जो नंबर आ रखा था क्या आया था कि when p equals to माइनस 4 अपॉन 7। जब p क्या होगा, माइनस 4 अपॉन 7 होगा, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2p प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस 3, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है। जब इसमें हम p के प्लेस पे माइनस 4 अपॉन 7 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 4 बाई 7 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 4 अपॉन 7 प्लस 2x प्लस 7 इंटू माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 8 अपॉन 7 प्लस 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2x और प्लस 7 से यहाँ भी 7 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 7 अपॉन 7 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 1 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी जब 7 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि x स्क्वायर को कभी हम निगेटिव नहीं लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ है। अब इसी को जब हमने p के प्लेस पे माइनस 4 अपॉन 7 पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है।
यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है और इसे सॉल्व करके हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो ये जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस 49 इक्वल टू जीरो। यानी कि जब हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस सेवन, यहाँ माइनस सेवन कॉमन ले लेंगे तो x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। यानी कि x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेवन। और दूसरा आंसर भी क्या आएगा, x इक्वल टू सेवन, ठीक है। यानी जब p के प्लेस पे हमने माइनस फोर अपॉन सेवन पुट किया तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ, और जो जब हमने उसको सॉल्व किया है तो x का आंसर क्या आया है, सेवन। यानी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, सेवन। ये कब होगा, जब x इक्वल टू माइनस फोर अपॉन सेवन होगा। अब p की वैल्यू करो, एक और p की वैल्यू आई है, p इक्वल टू क्या रखा है, फोर, ठीक है। तो एक बार हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p के प्लेस पे क्या पुट करना है, तो फोर पुट करना है। तो देन व्हेन p इक्वल टू फोर, व्हेन p इक्वल टू फोर, ठीक है। एंड जब p इक्वल टू क्या होगा, फोर होगा, देन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा 2p प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x एंड प्लस 7p माइनस 3 इक्वल टू जीरो, जो एक गिवन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जब इसमें हम p के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 2x प्लस 7 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यानी 2 फोर जा 8 प्लस 1x स्क्वायर माइनस 28 प्लस 2 तो 30x एंड प्लस 28 माइनस 3 25 इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू जीरो, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा, और इसे सिंप्लीफाई करके हमें फाइंड करना होगा x की वैल्यू, जो कि क्या होगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 9 और 25 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये होगा 25 इंटू 9, 225। तो हमें इसको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225। अब हमें क्या करना है, तो दो ऐसे नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 225 है, जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 इंटू 15 क्या होता है, 225, और 15 प्लस 15 30। यानी कि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू जीरो। यानी जब इसमें x कॉमन लिया जाएगा, जब इनमें 3x कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5। यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। यानी 3x माइनस 5 एंड 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, यानी कि 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 बाई 3, यहाँ भी हो जाएगा x इक्वल टू 5 बाई 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था, जहाँ पे हमें 4 आंसर्स मिले। सबसे पहले तो जो p की वैल्यू आई, p इक्वल टू आया 4 और p इक्वल टू आया माइनस 4 अपॉन 7, ठीक है। तो जब हमने इन वैल्यूज़ को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, तो जो जब वैन p इक्वल टू 4 था, तो जो हमारा जो रूट्स फाइंड हुए क्या थे, 5 बाई 3 एंड वैन p इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 7 था, तो देन हमारे जो रूट्स फाइंड हुए क्या थे, तो 7 एंड 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। थैंक यू।